जी सही आंदे भाई। हाँ, ये अकरम साहब जी जी, आप बताइए बाथरूम के बारे में। अभी बाथरूम में सर यहाँ पे ये डाइवर्टर है, जी ऊपर ये शवल है, जी यहाँ पे एक स्पॉट आएगा हाँ और यहाँ पे ग्लास पार्टीशन आएगा ओके और एक कट्टा बोले तो कट्टा बन गया और तो जी यहाँ पे पूरा सीलिंग आएगा बाथरूम का ओके ठीक और वॉल के अलावा तो पूरा पीओपी आएगा। है। यहाँ पे कमोड है, कम आउट ये यहाँ पे कमोड है, ओके ये मेट्रोपोल है जी, फ्लैश के लिए फ्लैश के लिए मेट्रोपोल। जी यहाँ पे वाइब्रेशन काउंटर आ रहा है ओके और यहाँ पे गीजर आ रहा है, एक ये गीजर का पॉइंट गीजर का पॉइंट है, गीजर बैठ रहा है इधर, जी, ये वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर भी है, ग्राइंड फिट हो गया है ना इसमें सब बहुत ब्यूटीफुल हो गया वो। जी और यहाँ पे सब अभी जो है ना जैसे जैसे हैंडल है, कौन बोल रहे इधर हैंडल है, अल्फा सेट चाहिए। और वो जो बोल रहे थे अल्फा आपको सेट, एक वॉश बेसिन और कमोड वाइब्रेशन के और बीच में, काउंटर यहाँ पे इसमें बीच में कुछ ग्लास पार्टीशन का बोल रहे थे ना। यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा ऐसा एक वर्टिकल करते हैं हम, हाँ करने के बाद जो है ना ये वाइब्रेशन टॉप आएगा, ऐसे खड़ी वर्टिकल आएगा, हाफ थ्री थ्री फीट तक वर्टिकल गिरना रहेगा, जी फिर इसके ऊपर ऐसे ग्लास आएगा ओके, 1 फीट ये डीप, वॉश बेसिन और कमोड के बीच में कमर रहेगा। के बीच में आएगा वो 1 फीट का डीप आएगा, ज्यादा डीप नहीं आएगा वो, सिर्फ 12 इंच 1 फुट का डीप पूरा गिरना आएगा। फिर यहाँ पे वाइब्रेशन के ऊपर जो है ना एक अच्छा सा बड़ा ग्लास आएगा, ब्लैक ग्लास। ठीक है, उधर किचन का देखेंगे। ये बताना था ये स्टेप यस, गुड नाइट। और वो स्टेप ये ना ले रहा हूँ। जी अभी उधर किचन का देखें। हैं ये विंडो का ग्रेनाइट हो गया ना ये। हाँ, ये विंडो गिरना हो गया, ये बालकनी का पूरा टाइल हो गया। और ये सामने, ये सामने गिरना हो गया, इधर एक वॉश बेसिन आएगा, इधर हाँ टाइल्स यहाँ पे टाइल्स आ रहे इधर ना, हाँ और इधर एक हाफ पोडेस्टल वॉश बेसिन आ रहा है। ये इधर कुकिंग रेंज, हाँ यहाँ पे रहेगा, इधर ना सीधा तो ये कटर रहा है। ये कुकिंग रेंज आएगा इधर, इधर से 8 8 इंच हटके आएगा ना वो। हाँ हटके आए, यहाँ क्या पैसा आएगा इसके ऊपर। अच्छा सेंटर से आएगा वो मोए बोला। और ये भी ग्रेनाइट है, ये भी ग्रेनाइट है, तो एक जस्ट फैन ऊपर है, ग्रेनाइट है। ये वाटर वाटर फिल्टर के लिए वाटर फिल्टर है, कोवाड इधर आएगा वो वाटर फिल्टर, ये यहाँ सामने पे वाला। बैठेगा, अच्छा उसका आउटलेट है इसमें, आउटलेट इसमें, अच्छा उससे ये आउटलेट ही है, ये अच्छा इनलेट एक आउटलेट, ठीक है। एक पाइप की कई जगह दिखता नहीं, और पावर के लिए सॉकेट, पावर के लिए सॉकेट। वो उसका भी थोड़ा सा बता दो, स्टेप्स पे स्टील ग्रे जो आ रहा है वो कैसा आएगा। नहीं वो वॉल पे भी आ रहा ना वो, एक सर ये निकाल लेते हैं, ये मैं कर सकता हूँ।
वो निकल जाता वहाँ, निकालना ही हो निकल जाता। तो ये खोल के थ्री निकालना फिट है। सिक्स इंचेस का लैंडिंग आके उसके हाँ बाद ऐसा। हाँ उसके बाद में स्टफ पर ये लैंडिंग हाथ के आएगा, 12 इंच छोड़ के लैंडिंग आता, फिर हाँ स्टफ अलग बताना पड़ता। अच्छा तो हाथ में लाना, वॉल पे भी आएगा। हाँ ये वॉल पे आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। ये निकाले तो ही काम सही होता, ये आगे पीछे गिरना पूरा काम खराब होता है। पूरा निकाल देना, निकाल के जो है ना प्लास्टर कर देना इस SS का रेलिंग्स बोल रहे थे ना, हाँ, डबल SS रेलिंग का रेलिंग करना है। निकाले तो ही काम सही होता है। और ये इस पे अरे पूरा फ्लोर नहीं है ये फोटा गिरना तो लिस्ट मार पा ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡೋದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರೇ ಆಗಣ ಇಸ್ಪೆ ತೋ ಹಾಂ ಬರಿ ಅದು ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಹೋಗ್ಯಾ।